जय हिंद दोस्तों, गुड इवनिंग। बांग्लादेश कर आए हैं आप अब्सेंट। लास्ट क्लास पे हमने नेबरिंग कंट्री डिस्कस कर लिए हैं और आज हमें एक और टॉपिक, फेस्टिवल ऑफ इंडिया, भारत के त्यौहार, त्यौहार को और भी कुछ अच्छा वर्ड में कर, पर्व, भारत के पर्व के बारे में डिस्कस करना है। उससे पहले मैं चाह रहा हूँ कि एक बार आप देखें कि हमारा सिलेबस है कितना और क्या हमने पढ़ा है और क्या हमें रटना है और क्या हमें पढ़ाना है एग्जैक्टली। क्योंकि कई बार, जैसे आज भी मेरी किसी से बात हो रही थी यहीं अपने कैंपस में ही, उसका मेंस प्री में नंबर कम था, तो सर मेरा तो फोकस है कि मैं NTPC पे करूँ। मैं, चलो ठीक है, क्या कर रहे हो NTPC के लिए? सर SPD मंगा लिया और बढ़िया से कर रहा हूँ। और एक टीचर का नाम लिया, उनकी रेलवे के लिए बहुत फेमस है बुक। मैं कहा एक सिंगल क्वेश्चन आ जाए ना वहां से तो बता देना। तो उन्हें बोला कि सर रेलवे में तो उसी भी इस बुक से आती ही है, लेकिन आप पेपर उठा के देखो तो आपको समझ में आएगा कि अब नकली बातें हैं, किसी बुक से अब नहीं आ रहा है, आ कहाँ से रहा है तो वो देखना है। अब कोई सा भी लगभग पेपर देखोगे ना तो इस टॉपिक में से एक क्वेश्चन कभी कभी मिल जाएगा आपको, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, कभी हेड ऑफिस, कभी कोई नया अपॉइंटमेंट, कभी कोई नया मेंबर। तो ये इतना छोटा टॉपिक नहीं है, UN अपने आप में एक टॉपिक है। तो इस पे लगभग हम एक क्लास आपको दे चुके हैं या देंगे। इनमें हम कुछ कुछ पढ़ाते हैं और कुछ कुछ उम्मीद करते हैं कि आप याद करेंगे। जैसे हम सार्क तो पढ़ा देंगे, ब्रिक्स पढ़ा देंगे, आसियान पढ़ा देंगे, नाटो पढ़ा देंगे, G20, G7, लेकिन हम चाहें कि TPP, NPT पढ़ाएं, NSG पढ़ाएं, तो वो नहीं पॉसिबल है। इसको आप रट लेंगे तो बेहतर है, आप IMO रट लेंगे तो बेहतर है। क्या रटना है? तीन बातें रटनी है, कब एस्टेब्लिश हुआ, कहाँ हेड ऑफिस है और इस समय प्रेजेंट हेड कौन है, और यदि कोई नया मेंबर बना है तो, या भारत से संबंधित कोई व्यक्ति बना है तो, या कोई महिला बनी है तो, ये पांच छह पॉइंट होता है तब हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये एक टॉपिक है, लगभग आप हर दूसरे पेपर में देखेंगे एक क्वेश्चन यहां से मिल ही जाएगा। फिर होता है अवार्ड एंड ऑनर, कोई सा भी पेपर हो, एक तो होता है कभी कभी और एक होता है कि आना ही है, तो उसमें से एक टॉपिक ये। अब अवार्ड एंड ऑनर में नोबेल प्राइज अपने आप में एक टॉपिक है, इंटरनेशनल प्राइज अपने आप में एक टॉपिक है, और ये लगभग मैं डिटेल सबको पढ़ाता हूँ क्योंकि ये बहुत कुछ जानना होता है। राइट लेवल अवार्ड कौन सा है, या एशिया का नोबेल कौन है और ऑप्शनल नोबेल कौन है, ये आपको पता होना चाहिए। एशिया का कौन सा है? कलिंगा, रमन मैग्सेसे, और ऑप्शनल ओलंपिक, ऑप्शनल नोबेल है। मैं मैथ बोल रहा हूँ, ऑप्शनल बोल रहा हूँ, वैकल्पिक, कोई बात नहीं, वो भी इसी में है। नहीं है, देखेंगे। इंडियन से भी लगभग इस बार खूब रहा, जैसे कल परसों पेपर में था भारत रत्न कब शुरू हुआ, है ना, NTPC का इस बार का क्वेश्चन है। नेबलिंग किसको भारत रत्न नहीं मिला, ढेर सारी, तो ये हम लगभग नहीं था तो आ जाएगा कल परसों में आ जाएगा, ये हम लगभग डिस्कस कर चुके हैं। तीसरा टॉपिक देखो ध्यान से, स्पोर्ट्स, टर्म्स, ट्रॉफी, अवार्ड, अपॉइंटमेंट, कोई अचीवमेंट, कुछ भी, इंटरनेशनल इंडियन ऑर्गेनाइजेशन से हर इस बार हर पेपर में रहा। जैसे कल मैं देख रहा था, पूछा कि इसरो की पहली बैठक कब हुई थी, आज भी था ना, जो भी हो। तो ये स्पोर्ट्स, इंडियन ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस ऑफ इंडिया, सॉरी, डांसेस ऑफ इंडिया। तो टॉपिक यदि आप बांटोगे ना तो बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन वे मोस्टली रटने वाले हैं, तो एक उम्र के बाद रटने उठने का मन करता नहीं है क्योंकि मेहनत लगता है, लेकिन हमें रटना पड़ेगा। बुक एंड ऑथर एक आता ही आता है, पक्का गारंटी के साथ, करेंट या कंटेम्प्रेरी दोनों आ सकता है। इसमें हम आपको अच्छा खासा लिस्ट देंगे, करेंट और कंटेम्प्रेरी दोनों। इंपॉर्टेंट डेज लगभग रह ही रहा है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स खूब नए नए ऐड हो रहे हैं, रह ही रहा है, पार्क और सेंचुरीज, सी पोर्ट, एयरपोर्ट, मतलब हमने आपके टॉपिक को कर दिया इजी।
नागालैंड का नेशनल बर्ड क्या है ये हमें आना चाहिए। तो इसके लिए हमने एक अलग से चैप्टर ही बना दिया पूरा, हर स्टेट का बर्ड, एनिमल, स्थापना, कोर्ट, मतलब जो चेंज नहीं होता वो जनरली हमने डाल दिया। नेबरिंग कंट्री हम अभी लगभग लगातार डिस्कस कर लिए, रिवर डैम, और ये तो ये पढ़ाने का नहीं है, मैंने बोलेंगे तो पढ़ाएंगे, उसे हम पढ़ाते भी हैं, लेकिन ये रटना ही पड़ेगा लास्ट में कि गंगा पे कौन कौन है, एक बार रट डालना होगा। लास्ट ईयर पूछा निम्नलिखित में से कौन से गंगा पे नहीं है, और बिल्कुल छोटे छोटे शहरों के नाम। रिपोर्ट्स आता ही आता है, कौन जारी करता है, या भारत का क्या रैंक है, पहले नंबर पे कौन है, ये पढ़ाते हैं हम। सुपरलेटिव्स, बिगेस्ट, हाईएस्ट, लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट, डीपेस्ट, हैं, हार्डेस्ट एनिमल एलिमेंट नहीं होता है फिर, अच्छा वहां से, ओके, फर्स्ट इन इंडिया एंड वर्ल्ड, मतलब आप देखें सिलेबस को तो आपको ये प्राउड हो सकता है कि हाँ हमें बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है। दिक्कत क्या है कि हम इससे भी खूब क्वेश्चन रह रहे हैं, आप देख रहे होंगे डेली आपके पेपर में रह रहा होगा, नहीं होगा तो अगले 2-4 दिन में आएगा, आया ना, तभी अगले 3-4 दिन लगातार रहेगा, कल रहेगा रहेगा 3-4 दिन लगातार, और वो हमारा नहीं है, वो एनटीपीसी ने पूछा है टीसीएस के थ्रू। तो टॉपिक यही रहेगा, आप देखना कोई ऐसा टॉपिक जो लगे कि नहीं ये इससे नहीं आता है सर। सेंसस, गवर्नमेंट स्कीम, नेशनल हाईवेज, इन्वेंशन, टेम्पल्स, हमने क्या किया है, हर टॉपिक पर क्विज बना लिए, वे क्वेश्चन जहां से एसएससी उठाती है टीसीएस उस वेबसाइट से, और जो आ चुके हैं दोनों हम कंप्लीट करके रखे हुए बुक में। एमिनेंट पर्सन है ना, जैसे कल क्वेश्चन आया था या आ जाएगा आपके एग्जाम में कि लोकसभा में कौन सुपर पावर में होता है, तो सिंपल सी बात है, लोकसभा स्पीकर। माउंटेन पीक आ ही रहा है, बॉडीज, ट्राई, यूजीसी, नबार्ड, आईआरडीए, सारा का सारा। लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया, क्लासिकल लैंग्वेज क्या, ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, इंपॉर्टेंट कमिटीज एंड कमीशन पढ़ाया था, फिर पढ़ाएंगे। तो ये हमारे कुछ टॉपिक हैं जो हमें जानना चाहिए। नहीं, वो गलती से पेज हो गया, पेज कुछ नहीं आ रहा है, वो पहले का भी बना होगा उसका है। अब आ जाते हैं फेस्टिवल। अब जो स्टॉक पे आप लोग के सिलेक्शन के बाद जाएंगे, जब एक साथ 100 इंस्पेक्टर निकालेंगे तब, लेकिन आप को मेहनत करना पड़ेगा उसके लिए, कहे तो फिर हम नहीं जाएंगे। हाँ आप ही जा सकते हैं, हाँ, और फिर मैं और निराश रहने लगा, लेकिन मुझे बाहर नहीं निकलने दिया गया, मेरी फीस रख ली गई थी, इसलिए मुझे निराश हो करके भी पढ़ना पड़ा। हाँ नहीं, रेफरेंस से करते हैं, जैसे आपके जैसे कोई रेफरेंस दे देगा, आप कांटेक्ट करोगे तो वैल्यू नहीं देगा, वैसे कांटेक्ट करो तो जाके पूरा मेकअप करेगा और ये माहौल बनाएगा, तुम्हारे जैसे कोई बालक बताएगा ना कि ये अच्छे व्यक्ति, इनको बुलाइए कमेंट में, मेल पे। एक होता है साथियों हार्वेस्ट फेस्टिवल, हार्वेस्ट फेस्टिवल को हिंदी में हम क्या कहेंगे, मतलब हार्वेस्ट को हिंदी में फसल पर्व कह लीजिए, जो खासकर फसल से रिलेटेड है। तो अब दो तरीके से क्वेश्चन आता है, एक ये फेस्टिवल किस मंथ में मनाया जाता है सीधे, और दूसरा कहाँ मनाया जाता है, तीसरा कौन सा हार्वेस्ट फेस्टिवल नहीं है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। तो हमने क्या किया कि आपको डिवाइड कर दिया स्टेट वाइज, साउथ इंडिया में मनाया जाने वाला जनवरी में कौन सा मनाया जाएगा, पोंगल। तो यही क्वेश्चन पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा जनवरी में नहीं मनाया जाने वाला हार्वेस्ट फेस्टिवल, तो
तो यदि हम कैटेगराइज कर देंगे कि साउथ इंडिया में कौन कौन सा ओणम कब मनाते हैं, अगस्त में, पोंगल कब मना रहे हैं, जनवरी में, उगाड़ी मार्च में, और विशु अप्रैल में, कहाँ मनाते हैं, क्या मनाते हैं, कैसे मनाते हैं, वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। बंगाली बिहू, भोगली, जनवरी, बांग्ला नवंबर, नाखोई अगस्त, गुड़ी पड़वा अभी इस बार आया था, गुड़ी पड़वा किस स्टेट का है, सब आता है यहीं से। कुछ नहीं करते हैं, हर चीज के उन्होंने एक सिलेक्टेड जगह रख रखा है। फेस्टिवल ये कल्चरल मिनिस्ट्री के वेबसाइट से उठाते हैं, कल्चरल मिनिस्ट्री के एज इट इज लाइन उठा के और क्वेश्चन बनाते हैं। हाँ तो दिखाऊंगा मैं, हर टॉपिक का इन्होंने कुछ कुछ सोर्स अपना रखा है, हमने कुछ नहीं किया, हमने क्वेश्चन जाके गूगल पे सर्च डाले, ऑटोमेटिक वेबसाइट रीड कर गया यहाँ से, फिर हमने डाले, फिर वहीं पहुंच गया। अच्छा ठीक है, हमने सारे क्वेश्चन डाल दिए। तो ये हो गया आपका, कहाँ पर साथियों, ईस्ट और वेस्ट इंडिया में। अब आ जाते हैं एक एक करके फेस्टिवल के नाम और उसके बारे में थोड़ा बहुत। जैसे हमने तिहाड़ जेल सुना, लेकिन तिहाड़ फेस्टिवल और किसके लिए, जानवरों के लिए। फिर दूसरा है कौन सा, गोटमार फेस्टिवल इन पांडुरना, पंडुरना कहाँ है, पंडुरना चले हम एग्जैक्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, तो ऐसे तो और दो गांव के लोग एक दूसरे को पत्थर मारते हैं, किसने ज्यादा पत्थर मारा है। ठीक, गाजन फेस्टिवल किसको समर्पित है, भगवान शिवा को। क्या ये क्वेश्चन इस बार नहीं आया था, तो कहाँ, केरला में। इसी तरीके से क्वेश्चन उठा रहे हैं, सेम उसी वेबसाइट से उठा के उठा के। अभी पूछेंगे त्यौहार किसको समर्पित है, तो आप बताएंगे जानवरों को समर्पित है। ये पूछेंगे गोटीमार फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, आपको नहीं पता पंडुरा, लेकिन वो ऑप्शन देगा पंडुरा। ये हमने वहीं से उठा के लाइन यहाँ पे रख दिया है और यहीं से पूछ रहे हैं ये। अब एक एक करके हम फेस्टिवल का नाम लिखते जाएंगे। और तो लिखिए पहला बिहू, फोटो में देख के अच्छा लग रहा है ना कि बढ़िया डांस है। ठीक, हम लोग ऑनलाइन वाले भी, हाँ आप ही लोग के लिए पढ़ा रहे हैं तो बात इनसे कर रहे हैं। बिहू, अब देखो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, कब मनाते हैं, तो कब मनाते हैं साथियों, 14 अप्रैल को। कौन कौन सा स्पेशल, अब जैसे पूछेगा, लास्ट ईयर पूछा कि तुलसी का पूजा किस त्योहार में किया जाता है, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ये कहां पे मना रहे हैं हम, असम में। पोंगल है वो, आएगा, वो भी आएगा, चौथे दिन को क्या कहते हैं ये पूछा था, वो सारे पढ़ाऊंगा। आप उस चीज के लिए निश्चिंत रहिएगा, जहां तक पहुंचेंगे उससे ज्यादा पहुंचा देंगे, लेकिन दिक्कत ये है कि आपको एक एक चीज आपको याद होना चाहिए क्या है ये। तो हमने कहा न्यू ईयर सेलिब्रेशन ऑफ असमीज है, असम का नया वर्ष किस त्योहार के दिन मनाया जाता है, तो आपको याद होना चाहिए बिहू के दिन मनाते हैं, ये जनरली 14 अप्रैल को पड़ता है। नहीं, ट्रेडिशनल में ड्रेस का नाम नहीं दिया है तो नहीं पूछा जाएगा। पढ़ के रखिए, कोकोनट लड्डू, तिल पिठा, गीला पिठा पूछ रहे हैं, पूछ क्या लेंगे, फिश पिट का वो कुछ नहीं कर रहे। मैंने कल भी बताया था कि वो जो पेपर बना रहा है ना, वो एमबीए वाला है, उसको नहीं पता है, तो उसको सोर्स दे दिया गया कि इस वेबसाइट से तुम फेस्टिवल वाला बना लेना, तो इसी में से दिमाग लगा कि कौन सी मिठाई का यूज नहीं करते हैं, तो जलेबी लिख देगा,
ऐसे ऐसे दिमाग लाया को बना रहा है, मतलब तुमको क्वेश्चन देके गुस्सा आएगा, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। लास्ट में पूछा कि इस पार्टिकुलर ब्रांड के चप्पल को जो खादी में रखा गया क्या प्राइस रखा गया, कोई लॉजिक नहीं था लेकिन ऐसे क्वेश्चन पूछे गए। ये तो अच्छा है, हरियाणा से संबंधित था और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। एसएससी ने पूछा था कि सबसे लंबी हीरोइन कौन सी है, हाँ? कौन सी है जिसकी दीपिका पादुकोण है, हाँ? उस ऑप्शन वाइज दीपिका पादुकोण था। हेमिस पूछ लिया कई बार, तो लिखो हेमिस। इसमें पूछा था हेमिस में प्रिस्ट की बौद्ध पुजारी किस डांस को कर रहे होते या कौन सा सेलिब्रेशन कर रहे होते, तो कौन सा हेमिस, कहां पर, लद्दाख में। चाम डांस, हेमिस में कौन सा डांस किया जाता है, चाम डांस। और ये किसके द्वारा किया जाता है, तो हमने कहा कि प्रिस्ट के द्वारा, बौद्धिस्ट प्रिस्ट के द्वारा किया जाता है। फोटो देख लो भाई, हाँ प्रिस्ट भी इंसान ही होते हैं यार, उसमें पूजा नहीं करें डांस कर रहे हैं तो उस रोल में। इट सेलिब्रेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्पिरिचुअल लीडर, ये शायद आ गया कि पद्म शंभुआ के बर्थडे पर मनाया जाने वाला फेस्टिवल, तो ये हेमिस। और फाउंडर कौन है, ये तिब्बतन टेंट्रिक बुद्धिज्म के फाउंडर माने जाते हैं, तांत्रिक। तांत्रिक की इंग्लिश यही होगी, ये तो नहीं होनी चाहिए, तांत्रिक मैजिशियन को लिए वर्ड यूज कर सकते हैं, कोई बात नहीं है तांत्रिक है तो कोई दिक्कत नहीं है। कब मनाया जाता है ये, तो 10th डे ऑफ तिब्बतन लूनर मंथ है ना, और उसको लोकल लैंग्वेज में हम किस नाम से जान रहे हैं, ती सी चू के नाम से जान रहे हैं। तो ये पढ़ाया नहीं जा सकता इसको जनरली, इसको आपको दो बार पढ़ के अपने आप रट के रखना होगा, सी चू क्या था या किस डे को मनाते हैं। हाँ हमने कोशिश किया है कि आपको एक सोर्स अवेलेबल करा दे, आएगा ही नहीं में से ये पक्का है, अब पेपर उठाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसी तरीके से बदमाशी वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। तो कहां पर, लद्दाख और जम्मू कश्मीर वाले हिस्से में। ये जनरली कब पड़ता है, जून और जुलाई के ग्रेगरियन कैलेंडर। अभी हमारा कैलेंडर कौन सा है, ग्रेगरियन कैलेंडर, पोप जॉन ग्रेगरी ने जो बनाया था, जो अभी हम जिसके हिसाब से आज हम 16 दिसंबर सेलिब्रेट कर रहे हैं। लूनर, तिब्बतन लूनर मंथ के चंद्रमास, ये सिंपली तिब्बतन मास के हिसाब से, तिब्बती महीने के हिसाब से 10वें दिन को मनाते हैं। ये जनरली हमारे वहां कब पड़ता है, जून या जुलाई में पड़ेगा। फेस्टिवल का लिमिट हो सकता है, हाँ ये कहीं भी नहीं होगा, जीवन ही फेस्टिवल है यदि आप खुश हैं तो। आज दिन बहुत अच्छा लग रहा है, ओणम, तेरह प्रकार के डिशेस बना रहे हैं, इवन सच एज वल्ला कमली, स्नेक बोट रेस, कोई कोटिकली, क्लैब डांस, कथकली डांस एंड पुलिकली प्रोसेशन, आर्टिस्ट ड्रेस एंड पेंटेड लाइक टाइगर्स एंड हंटर्स आर हेल्ड। नहीं याद हो जाएगा, दो बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। मेनली आपको क्या है, कहाँ पे मना रहे हैं, केरल में, और त्योहारों में क्या होगा, कुछ डांस और कुछ मेष्ठान का यूज किया जाएगा, तो इनमें कौन कौन से डांस किए जा रहे हैं ये आपको याद करना होगा। कथकली डांस कर रहे हैं, स्नेक बोट रेस कर रहे हैं इस तरीके से, और ये क्या है
celebrating the homecoming of the legendary king Mahabali. Mahabali ki ghar vapsi ka jashn manaya jata hai. Ye bhi question aa chuka. Boat race, hathi julus aur kotikali nritya. Dekho abhi dono aa chuka hai. Ab agli baar ye puch lenge kotikali nritya kab kahan pe use karte hain. Ek kotikali nritya kahan pe hai to aapne batana unam mein karte hain. सामान्य पहले क्या हम पूछते थे कि ओणम किस राज्य में मनाया जाता है, तो आप बोलते केरल. अब वो थोड़े डीप में चलते चले जा रहे हैं. और ये कब आता है, जनरली अगस्त और सितंबर में आ रहा है, इन द मंथ ऑफ चिंगम ऑफ द मलयालम कैलेंडर. अब देखो लास्ट ईयर पूछा कि इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से पहला महीना कौन सा होता है, नाम दिया. अब ये हम अब जन वैसे मैं पढ़ाऊंगा आगे, लेकिन हमें ही नहीं पता है कि इस्लाम में कितने मंथ होते हैं और पहला महीने क्या कहते हैं, लेकिन पूछा गया. दिक्कत यही यही तो मैं इतने दिन से आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ. जो हम पढ़ रहे हैं वो नहीं आता है, जो आता हम पढ़ते नहीं है, और हमें लग रहा है कि हाँ हम मेहनत करें हमारे नसीब खराब है. स्पीडी पढ़ोगे तो नहीं होगा NTPC भाई. लुसेंट भी नहीं पढ़ना है, मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूं. SST और साइंस ये सिर्फ प्रीवियस पेपर पढ़ने हैं जो SSC पहले लेती थी. यहां से 5 से 7 क्वेश्चन आएगा, वो 5 और 7 तो कर लोगे. करंट 4 महीने का पेपर से पहले 8 से 10 क्वेश्चन मिल जाएगा यहां से, और बाकी जो बच गया स्टैटिक. प्रीवियस करोगे तो 4-5 क्वेश्चन वैसे और 8-10 पढ़ के बस. ये है रेशियो. 99% बच्चा पूरा ये पढ़ने पे लगा हुआ है, पूरा कोर्स भी इसी का चल रहा है, और उसमें मास्टरी कर रहा है. आना ही नहीं है यहाँ से. या तो साइंस में ऐसा क्वेश्चन आएगा चाहे कितना पढ़ लो नहीं होगा, नहीं तो बिल्कुल लिबरल उठा के देखो TCS का. और जो मुश्किल वाला वो भी पहले SSC पूछ चुकी है, और लिबरल वाला तो आप सभी कर लेते हैं. पहला सैनिक विद्रोह कब हुआ, ये सिंपल क्वेश्चन है. कल परसों में आया होगा या आपके पेपर में आ जाएगा, ये भी पूछा है. वही तो ऐसे है महाबली राजा के घर वापसी पर, केरल में कोई शासक होंगे. चल अगला लिखो पोंगल. रिच रंगोलीज एंड द स्वीट सेवियर्स. 4-day harvest festival in South India, in Tamil Nadu. Famous festival. People prepare pongal dish and wear the traditional attire on the famous festival of South India. Celebrate the bonfires. नए साल के दिन आप भी यहाँ पे bonfire कर रहे होंगे, dancing कर रहे होंगे, cattle race कर रहे होंगे, मिठाई खाएंगे. हाँ, 10-16-14 दिन बाद. द हाउस लुक, ये तो हटा दो. काम डिजाइन, कॉलम डिजाइन. हाँ, जो चारों दिन है ये यहाँ पे नहीं है. जब क्वेश्चन आएगा तो वहां पे मैंने चारों को एक्सप्लेन किया हुआ, हालांकि वो PPT मैंने रखा हुआ है इसके बैक साइड में, इस PDF में नहीं है. तो वो चारों दिन का हम नाम बताएंगे आपको एग्जैक्टली, यहाँ पे नहीं है. और वहां से क्वेश्चन पूछा कि तीसरे दिन को क्या कहते हैं, चौथे दिन को क्या कहते हैं, ऐसे क्वेश्चन. अपने आप में बदमाशी वाला क्वेश्चन है, लेकिन पूछा गया. हम तो यही पढ़ के खुश हो जाते थे कि ये तमिलनाडु में मनाया जाता है बस. ये जो भैंस दौड़ने हो रहा है या लड़ाई लड़ते हैं, वो इसी दिन लड़ लेते. कोई मूवीज भी बनी थी. हाँ, जलीकट्टू. हाँ, ये भी किस प्रकार का फेस्टिवल है, तो एक प्रकार का हार्वेस्ट फेस्टिवल है. लिख दिए. ईस्टर, यदि आप क्रिश्चियन हैं तो आप ईस्टर पर्व को जानते होंगे. जिस दिन को ईसा मसीह मर के जिंदा हो गए थे, ब्लैक फ्राइडे को मरे थे, और ईस्टर के दिन मतलब तीसरे मतलब संडे को जीवित हो गए थे.
बेसिकली बाइबल में है कि ईसा मसीह ईश्वर के दूत थे, तो कुछ लोगों ने जबरदस्ती मार दिया, तो ईसा मसीह दोबारा जी उठे। उस दोबारा जी उठने की घटना को ही हम ईस्टर कहते हैं। मैं ईसा क्रिश्चियन हॉस्टल में रहा हूँ तो मुझे एक एक चीज पता है, बोर्डिंग में, मिशन स्कूल में, तो वहीं से तो सीखे थे। बस यहाँ पे और वहाँ पे अंतर ये है कि वहाँ कुटाई बढ़िया होती थी, बेत की छड़ी रखता था मां, और अभी तो लेकिन हम लोग छोटे बच्चे थे। तो कहाँ पर? गोवा, पुडुचेरी और केरल। प्रभु यीशु का पुनर्जन्म या पुनरुत्थान लिखा है, लेकिन रीबर्थ बोलते हैं। और ईसा मसीह कहते हैं कि हे प्रभु इन्हें माफ करना, इन्हें नहीं पता कि इन्होंने क्या गलत किया है। लिखा तो होगा इसमें। बेसिकली जो फेस्टिवल में होता है वही कर रहे हैं, इनके वहां की एक थोड़ा सा ज्यादा प्रेफर किया जाता है। क्या से फोटो से ये सर, मुझे आपका गुरुकुल ज्वाइन करना है, कोई बैच है क्या सीजीएल 2022 के लिए? सीजीएल 2022 के लिए 2021 के लास्ट में आएगा। 21 का लास्ट तो आ ही गया ना, 2022 के लास्ट में आएगा भाई, बैसाखी। अच्छा, हो सकता है 21 को 22 कह रहा हो, इसको पता नहीं हो, है ना? तो ये भी क्या है, हार्वेस्ट फेस्टिवल है। और ये कहाँ पर साथियों? पंजाब वाले हिस्से में मनाया जाता है। महिलाएं क्या सेलिब्रेट करती है? गिद्दा। और मेल क्या सेलिब्रेट करते हैं? भांगड़ा। ये दोनों क्वेश्चन भी आ चुका है कि महिलाओं, पंजाब का महिला नृत्य गिद्दा के नाम से। और ये किस लिए? 10th गुरु, गुरु गोविंद सिंह के, जो उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की, उसके सम्मान में मनाते हैं। अभी ये दोनों क्वेश्चन इस बार पूछा है टीसीएस ने कि कब खालसा पंथ स्थापित हुआ, किसने खालसा पंथ की स्थापना की, तो आपको वैसे पता है मैं हिस्ट्री में, लेकिन आज आपको पता चला होगा किस लिए मनाते हैं। फोक डांस, भांगड़ा, गिद्दा, पंजाबी फीस्ट, डेकोरेशन इन द हाउस ऑफ गुरुद्वारास, वेलकमिंग द हार्वेस्ट सीजन। दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेट अक्रॉस सिख कम्युनिटीज इन इंडिया। द बेस्ट प्लेस टू द सेलिब्रेट बैसाखी इन इंडिया इज द पंजाब। जनरली 13 अप्रैल को। जल्दी कर दे रहे हैं मकर संक्रांति। बेसिकली ऑनलाइन में तो बच्चा सिर्फ देख रहा होता है ना, जैसे कुछ बैठ के देख ही रहे तो बोरिंग सा हो जाता है, स्क्रीन शॉट लेते हैं। सर प्लीज साइड हो जाना। हाँ, और लगता है कि हाँ वो दिमाग में भी जा रहा है। हाँ बताओ, अप्रैल में काटते हैं या कटने के बाद मनाते हैं? जब अनाज घर में आएगा तभी तो मनाएगा। फिर तेरे सिलेक्शन पे पार्टी होगी या आगे तू एडमिशन लिया था पार्टी होगी? घर घर में घर में घर में घर में घर में यहाँ तो पार्टी का बहाना चाहिए। हमारा तो मार्च लास्ट या अप्रैल में, बैसाख अब रामनवमी को कह लो, रामनवमी को तो हिंदू परंपरा के हिसाब से, लेकिन जो हाँ हमारे वहाँ वही अलग अलग राज्य में अलग अलग नाम से, मकर संक्रांति नॉर्थ इंडिया में,
बिगिनिंग ऑफ द एग्रीकल्चर साइकिल। किस भगवान को पूजा करेंगे? तो नए सभी भगवान को हम सूर्य देव को स्पेशली सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, और हम खिचड़ी खा रहे होते हैं और दही चूड़ा खा रहे होते हैं बिहार यूपी में, ये हरियाणा में मूंगफली भी खा रहे होते हैं, रेवड़ी बर, ये तो आप लोग सेलिब्रेट करेंगे ही 14 तो अगले पे नहीं है। बाजरे की खिचड़ी, गुजराती सेलिब्रेट द फेस्टिवल बाय द नेम ऑफ उत्तरायण, शायद यही क्वेश्चन आया था ना। हाँ देख लो, मतलब ये कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ वहां से उठा रहे हैं उस लाइन को और उसी को क्वेश्चन बना रहे हैं। जो नहीं बैठा हुआ एग्जाम में वो कुछ भी पूछेगा, ध्यान रखना। तुम थोड़ी ना पूछो, तुम तो समझो कि सिलेबस क्या है। अब जिसको नहीं पता है उसको कहते हैं भाई फेस्टिवल पूछने का, जब फेस्टिवल पूछने पूछ देंगे तो ये भारत सरकार कहां, प्राइवेट कंपनी को दे रहे हैं। जिस देश में सरकारी लोग प्राइवेट लोगों के द्वारा चयन किए जाएंगे वो यही होगा ना मेरे भाई। महावीर जयंती खून रस नहीं निकाल रहे, उनकी योग्यता ही उतनी है, उनकी योग्यता एमबीए वाली है। महावीर जयंती, बर्थ ऑफ लॉर्ड महावीर, चैत मंथ के हिंदू कैलेंडर में। कहां पर साथियों? गुजरात और राजस्थान में। महावीर जन्म कल्याणक इज द इंपॉर्टेंट डे ऑफ द पीपल ऑफ द जैन रिलीजन, मार्क द बर्थ ऑफ लॉर्ड महावीर। इफ यू हैव नोटिस द स्टैचू ऑफ महावीर इज गिवेन अ महाभिषेक, वेर इज द बेटेड विद द मिल्क एंड द फ्लावर, इवन अ ग्रैंड प्रोसेशन ऑफ द लॉर्ड महावीर ideal is the carried out in the street. वो मैं आपको सिलेबस दे दूंगा आज प्रिंट करवा के, मतलब कल आपने एक एक टॉपिक करते जाना और निशान लगाते चलना। स्टैटिक वाला बुक तो आ ही जाएगी अगले नहीं बुक आ जाएगी, फाइनल करके भेज चुके हैं, फाइनल हो रहा है, कल मेरे पास वो फाइनल प्रिंट निकलेगा और मैं मंडे को दे दूंगा छपने के लिए। तो एक हफ्ता वो का तो आ चुका है, आप ही को नहीं मिला, बाकी सबको तो मिला है। हाँ मैथ की जीएस के बाद ला रहे, मैंने कहा पहले जीएस इस महीने के लास्ट में, 1500 पेज की बुक है, 1500 जीएस पार्ट ए स्टैटिक जीके विथ एमसीक्यू, पार्ट बी टीसीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विथ सब्जेक्ट हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिक्स सिविक्स टॉपिक वाइज। तो उससे अब आपको एक ही बुक में सारा काम कवर हो जाएगा, 1500 लगभग। नहीं मैंने पहले भी कहा था, फिर कह रहा हूँ, फॉर्मेलिटी नहीं करनी है, पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो नहीं पढ़ेंगे। तो बुक भी ऐसी ही होनी चाहिए, हाँ इसको पढ़ने बाद कुछ नहीं पढ़ना है, डेली अलग अलग बुक खरीदने से अच्छा है कि खरीद लेना। नहीं विवेक, हाँ नहीं तो नहीं, आप लोग से पैसे क्यों लेंगे? बाकी अच्छा आइडिया कि प्रोडक्शन कॉस्ट ले ले। अगला लिखिए उगाड़ी, नहीं लेंगे यार, ये तो हमने इसी शर्त पे एडमिशन लिया था कि आपको एडिशनल कोई पैसा नहीं लेंगे, लेकिन आप 9:30 का व्यवस्था करके रखिएगा। अ फेस्टिवल टू थैंक द डाइटी, भगवान को धन्यवाद देने के लिए। उगाड़ी इज न्यू ईयर सेलिब्रेशन ऑफ द पीपल ऑफ कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। देखो यही क्वेश्चन था कि कहां पे नहीं मनाते, तो शायद केरल या ऐसे कोई स्टेट या नॉर्थ इंडिया का, सॉरी नॉर्थ ईस्ट का स्टेट दिया हुआ था।
Harvest festival is observed making the religious flow, decoration, this and this. Harvest festival considered the start new work. हाँ यूपीएससी का पेपर होता तो टफ करने के लिए पेपर को. अब मान लो नॉर्थ ईस्ट है तो बच्चा जो समझदार और दिमाग लगा जाएगा कि तीन तो साउथ के हैं एक नॉर्थ ईस्ट का है. अलग ऐसा दिमाग नहीं लगाना है लेकिन लगा के खेल सकते हैं. 1-4 निगेटिव में तो वैसे भी तुक्का मारने में नुकसान नहीं होता है. यदि आपने 15 पढ़ के मारे तो 10 मार देंगे तो नुकसान नहीं होगा. 25 के 25 वैसे मार रहे हैं तो नुकसान हो जाएगा. किस्मत इतनी खराब नहीं होगी कि आपको 4 नंबर नहीं मिलेगा सारे अटेम्प्ट करने पे. पक्का फिर तो पक्का मारना. फिर तो आपका पूरा प्रोबेबिलिटी है आपका नंबर बढ़ने का. 2 में तो मारना ही मारना है. गुड़ी पाड़वा ग्रैंड हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ महाराष्ट्र. तो सबको अब इजी बेसिकली मैं इनका बैच रोक दिया था बीच में. विवेक का वजह क्या था यही था कि बुक आ जाएगा तो सिर्फ समझाना इजी हो जाएगा. फिर लिखने का भी टाइम खत्म और हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा. अंडरलाइन करते चलेंगे. हाँ कुछ नहीं आपको हम वैसे आप पढ़ क्या करेंगे और उस पर हम एमसीक्यू करवाया करेंगे. आप पढ़ क्या करेंगे हम एमसीक्यू करवाया करेंगे तो ज्यादा इजी हो जाएगा. ये कहाँ पर हम महाराष्ट्र में सेलिब्रेट कर रहे हैं. क्या क्या करते हैं भाई महाराष्ट्र मराठी बताओ गुड़ी पाड़वा में. हाँ रुक जाओ हाँ 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 कपड़ा भी पहना देते. ओके और ये कपड़ा बाद में पंडित जी को देंगे. अच्छा हमारी तरफ है पंडित का रोल. हाँ नहीं देख के नहीं बताया तो वो बोलता जा रहा हम चेक करते जा रहे हैं कि ठीक बोल रहे अपने घर में कर लेते हैं. ओके डेट जनरली वेरी कर सकता है लेकिन ये मार्च में होता है. ये भी जनरली क्या है अब यही पूछ लेगा किसका यूज किया जाता है बम्बी डॉल बना करके. गुड़ी गुड़ी पे बम्बी डॉल बोलते हैं मराठी में. लिखा तो ऐसे ही गुड़ी बम्बू डॉल. तो अब कई बार हमें भी नहीं पता होता है. हम से भी होली पूछा जाएगा तो नहीं पता रहे किस दिन मनाते हैं होली किस दिन मनाते हैं. नो 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 पार्टिकुलर एक दिन आता है फागुन का पक्का उत्तरा उसके लिए एक वर्ड है ये पूर्णिमा. आएगा ऑप्शन आएगा ऑप्शन आएगा ऑप्शन आएगा. मतलब हम चलो आप बोल रहे हैं लेकिन हमें पता नहीं है. चलिए आपको पता है हमें पता नहीं है. आएगा क्वेश्चन उसे होली कहते. यस ये कभी के नजर से है ये है ना कभी है ये. लेकिन तुम सीरियस कभी हो यार तुम चुटकुले वाले कभी बनो. हाँ उसी में डिमांड है यार सीरियस टीचर का डिमांड है ही नहीं. तो ये स्टैंड अप कॉमेडी कभी कभी आ करके हमारे चैनल पे किया करो कभी इसी बहाने हमारा चैनल चल जाए. हाँ जाकिर खान टाइप भी. कैमल फेस्टिवल कहाँ पर साथियों राजस्थान में कौन सी जगह पुष्कर में. यस अजमेर के पास टेकिंग प्लेस इन द पुष्कर. यही क्वेश्चन था. ये दोनों क्वेश्चन आ चुका है पुष्कर में और किस पार्टिकुलर दिन को. यही जो मार्क करते चल रहे हैं कि वाईपी अपना है नहीं समझो इस बात को. वो जो एसएससी ने पूछा है वो आपको हम दिखाना चाहते हैं कि देखो इस तरीके से पेपर आता है.
आप कभी ऐसे टाइम निकाल करके किसी का ऑनलाइन पेपर दे के देखना, तो आपको जीएस मिलेगा यार, सब कुछ आता है, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी वो यही पूछते हैं वहां पर, स्टैटिक नहीं डाल रहे होते हैं। कैमल एंड कटल ट्रेडर्स गेट टुगेदर टू डू द बिजनेस ऑन होली कार्तिक पूर्णिमा फेस्टिवल। आपको हमने कुंभ, अर्ध कुंभ, पूर्ण कुंभ, महाकुंभ तीनों सिखा रखा है। वन ऑफ द मोस्ट रिलीजियस फेस्टिवल ऑफ इंडिया, कुंभ मेला इज सेलिब्रेटेड इन अ साइकिल ऑफ 12 ईयर एट द फोर बैंक ऑफ रिवर दैट कंसिडर्ड द नेम प्रयाग, हरिद्वार, नासिक एंड उज्जैन। द पिलग्रिम इन द फेस्टिव डीप इन द होली वाटर, है ना। एलोंग विद दिस सेलिब्रेशन द इंक्लूडिंग द एग्जीबिशन फेयर रिलीजन हटा दो, सेलिब्रेटेड बेस्ड ऑन द एस्ट्रोलॉजिकल पोजिशन ऑफ सन मून एंड जुपिटर, नहीं, बृहस्पति। मिलियंस ऑन मिलियंस ऑफ द पिलग्रिम हटा दो। हर साल हम अलग अलग मना रहे हैं, तीन तीन साल के गैप पर, है ना। तो उसको हम जनरली क्या कह रहे थे, कुंभ या अर्ध कुंभ, है ना। और फिर उसके बाद 12 साल वाले पे हम पूर्ण कुंभ कह रहे थे, और फिर 24 साल वाले पे हम महाकुंभ। इस तरीके से हमने पढ़ाया आपको, एक बार देख लीजिएगा। ये दोनों आ चुका है, अर्ध कुंभ भी आ चुका है और महाकुंभ भी आ चुका है। इस 144 वाला ये महाकुंभ है, 3 महीने नहीं, 3 साल नहीं, ये तो उस साल में रहा होगा। हाँ, ये भी आ चुका है, लोसार भी, तिब्बतन फेस्टिवल, तिब्बतन न्यू ईयर, लोसार। सर मुझे आपका गुरुकुल ज्वाइन करना है, गुरुकुल के नंबर पे कॉल कर लिया करो मेरे दोस्त। सर आप पीडीएफ दोगे क्या? बिल्कुल देंगे सर, टेलीग्राम पर बता दीजिएगा, बुक आएगा तो पक्का बता देंगे दोस्त। हम खुद तक हो गए नहीं, आप आपका कोई गर्लफ्रेंड होगी, पूछते हो कब नौकरी ले, कब नौकरी, गुस्सा आ जाता होगा यार, पता नहीं कब लगेगा, हमें क्या पता। तो ऐसे डेली बार बार मत पूछा करो। कोई नहीं है तो चलो ठीक है, पापा के लिए आप ब्लैंक चेक हो। अच्छा फोन नहीं, है ना। ये क्वेश्चन, 3 डेज डिफरेंट एक्टिविटीज टेक प्लेस इन इच अदर, कहाँ कहाँ, ये भी क्वेश्चन था, कहाँ कहाँ नहीं मनाते। देखो बिल्कुल यहीं इसे उठा उठा के दे रहे हो, तिब्बतन न्यू ईयर सेलिब्रेशन है ये, नेबरिंग रीजन तिब्बत। लोसार इज द फेस्टिवल दैट इज ऑल्सो सेलिब्रेटेड इन इंडिया बाय द तिब्बतंस ऑफ द फॉलोअर्स ऑफ द बुद्धिज्म। ये भी एक पॉइंट है कि बुद्धिस्ट को मानने वाले लोग इसको सेलिब्रेट करेंगे। तो सर इज द तिब्बतन न्यू ईयर, ये क्वेश्चन था, एज इट इज सेलिब्रेटेड इन द फन एंड दिस दिस दिस, इतनी बार गुजरा है ना, नहीं यहां मनाते हैं, वहां क्वेश्चन था कि कहां नहीं मनाते हैं, तो चौथा कुछ ऑप्शन था, न्यू ईयर बुद्धिस्ट न्यू ईयर सेलिब्रेशन लोसार तिब्बतन के द्वारा। मैथ इंग्लिश रीजनिंग मत जाने दीजिएगा, जीएस हम जाने नहीं देंगे। ये आपको यदि एक्चुअल में करंट तैयार करना है तो ये है वेबसाइट जहां से सारे वेबसाइट वाले उठाते हैं, जो हम आपको जनरली करंट देंगे अभी जस्ट कंपाइल कर करके, जीएस का करंट सिर्फ सारे क्वेश्चन यहीं से, किसी का वेबसाइट पे जाओगे सब लोग यहीं से उठाते हैं। 4 महीने का पढ़ना है हमें, जब भी एग्जाम हो तो हमने बता ही रखा आपको। हॉर्नबिल फेस्टिवल, फेस्टिवल ऑफ द फेस्टिवल्स, है ना, सेम सीधे क्वेश्चन है।
स्टेट ऑफ फेस्टिवल्स, दोनों का जवाब क्या होगा? नागालैंड है क्या? ये दंगे चल रहे हैं ना अफस्पा। ठीक, नागालैंड सेलिब्रेट एज द डे टू प्रमोट द इंटर कल्चर हारमोनी बिटवीन द वेरियस ट्राइब्स। वन ऑफ द ग्रैंड फेस्टिवल फेलिंग इन द लिस्ट ऑफ इंडियन फेस्टिवल दैट इज सेलिब्रेटेड इन नागालैंड इज नॉन अदर देन द हार्निवल। दिस वीक लॉन्ग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड शो रिस्पेक्ट ऑफ देयर कल्चर एंड फोकलोर। ऑल्सो फेम द फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल हार्निवल इज अबाउट टू सेलिब्रेटिंग द एंशियंट ट्राइबल ट्रेडिशन लाइफ स्टाइल एंड हेरिटेज। या जनरली बाहर के लोग ही जाते हैं देखने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए। इन स्टेट में जाएंगे तो इन्फॉर्म करना होगा एक तरीके से वहां पे लोकल अथॉरिटी को, जो भी ट्राइबल एरिया है वो, जहाँ भी ट्राइबल है वहाँ पे लिमिटेशन है। मेवाड़ फेस्टिवल इनसाइट इनटू राजस्थान कल्चर। हाँ तुमने बताओ क्या है बताओ इसमें। अरे अच्छा, सरकार ने शादी की एज महिलाओं की 21 साल अप्रूव कर दी, लड़कों की तो 21 ही है। अब जाके बराबर हो गया, क्योंकि कम एज ये साबित करता था कि महिलाएं पुरुषों पे डिपेंडेंट हैं। अब जाके इक्वलिटी की बात होगी, तो ये एक अच्छी सोच जनरेट होगी। हालांकि सरकार ने वहां कुछ और लॉजिक दिया है, लेकिन एग्जैक्ट लॉजिक यही है। उन्होंने कहा कि महिलाएं शारीरिक रूप से मजबूत नहीं हो पाती इस उम्र तक। हाँ? कोई बात नहीं, सरकार कह रही है कि नहीं होते हैं तो हम क्या कर सकते। कुछ नहीं करो, नौकरी दो ही नहीं, होगी नहीं। द फेस्टिवल हैपेंस इन द सिटी ऑफ राजस्थान स्पेशली इन उदयपुर, सेलिब्रेटेड टू मार्क द अराइवल ऑफ द स्प्रिंग सीजन। यस, इफ यू वॉन्ट टू बी अ विटनेस ऑफ द कल्चर एंड ट्रेडिशनल एस्पेक्ट ऑफ द राजस्थान एट लार्ज यू शुड नॉट फॉरगेट टू अटेंड दिस फेस्टिवल। दिस फेस्टिवल हैज अ वास्ट हिस्ट्री एंड हैज बीन सेलिब्रेटेड सिंस सिसोदिया डायनेस्टी वाज रूलिंग इंडिया। ये क्वेश्चन आ चुका है कि किसके द्वारा शुरू किया गया था, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। मतलब देख लो, बिल्कुल यहीं से उठा उठा के डाल रहे एग्जाम में। द होल फेस्टिवल क्वाइट कलरफुल एंड वुमेन इन उदयपुर कैन बी सीन एक्टिवली टेकिंग पार्ट ऑफ द वेरियस सेरेमनीज। राजस्थान बहुत ज्यादा कल्चर वाला है, इतना फेस्टिवल है इतना कि ये इनकी कल्चर कल्चर की बुक आती है लगभग 2-2 हजार पेज की। तो सिर्फ राजस्थान पीसीएस भरने में ही डर लगता था हम लोग को, इतना ज्यादा इनका लोकल है। इतनी मंदिर, हरियाणा का तो बहुत लिमिटेड है। हाँ, राजस्थान में बाल विवाह का बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी इन बच्चों की नहीं हो पाई। नहीं, हुई है। ये गुजर भाई हैं, उनकी 8-8 साल पहले ही हो गई थी। और ये बताते नहीं, ठीक कह रहे हो, लड़के ने बताया तक नहीं। जब उसका साला आया तो हमने पूछ लिया, कौन का दोस्त है? फिर हम कहे बात तो नहीं करते हो। तो फिर बच्चों ने अंदर से निकला, सर इसका साला था। हालांकि दोनों नौकरी लगे। बुद्ध जयंती सेलिब्रेटिंग द बर्थ ऑफ द स्पिरिचुअल बीइंग। महात्मा बुद्ध की मृत्यु, जन्म और पहला जो उपदेश दिया है, तीनों एक ही दिन पे हुआ है। ये क्वेश्चन भी आ चुका है और उसी को हम बुद्ध जयंती के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। द होलीएस्ट फेस्टिवल ऑफ द कंट्री ऑफ इंडिया इट इज ऑल्सो नोन एज द बुद्ध पूर्णिमा। महावीर जयंती बर्थ बर्थ का है, लेकिन इनका तीनों दिन एक साथ हुआ है,
मतलब तीनों घटनाएं एक ही दिन को ही, जन्म मृत्यु और ज्ञान, सॉरी उपदेश, ज्ञान प्राप्ति नहीं उपदेश, चारों एक ही दिन है। चलो देख लेते हैं, इसमें मिल भी जाएगा। द बर्थ ऑफ गौतम बुद्ध इंट्रोड्यूस द फिलोसफी ऑफ बुद्धिज्म इन द वर्ल्ड इन ऑर्डर टू मेक द मोस्ट ऑफ दिस पीपल इन देमसेल्फ द अटेंडिंग द बुद्धिस्ट टीचिंग एंड वियर द व्हाइट क्लॉथ। चारों वैसे एक ही दिन है, ठीक कह रहे, लेकिन जनरली हमने यहाँ पे क्या कहा है, बर्थ, लेकिन है चारों एक ही दिन। हिस्ट्री वाले में आएगा ये क्वेश्चन, आ भी चुका है बल्कि। कहाँ कहाँ मनाया जाएगा, जहां जहां बुद्धिस्ट हैं, दार्जिलिंग, बोधगया, सिक्किम, अरुणाचल, क्रुसेंग, हाँ महाराष्ट्र में भी है दार्जिलिंग, सबसे ज्यादा बुद्धिस्ट महाराष्ट्र है, सबसे ज्यादा जैनिस्ट राजस्थान, क्रिश्चियन गोवा में तो नहीं होंगे, केरल में हो सकते हैं, इसका डाटा एग्जैक्ट नहीं, कभी ध्यान नहीं दिया। बाकी अच्छा क्वेश्चन अभी कर लेंगे क्लास के जस्ट बाद सर्च। तब तक ऑनलाइन वाले बताओ भाई, सबसे ज्यादा क्रिश्चियन किस स्टेट में है? हमारे बच्चों के पास मोबाइल नहीं है तो ये भी सर्च कर देते। तुम लोग लाइफ बहुत मजेदार है यदि तुम लोग सोशल मीडिया से बचे होगे तो, लैपटॉप पे, मतलब बहुत कंफर्ट, मजा, दुनिया में क्या हो रहा है कोई मतलब नहीं, सिर्फ अपने बारे में सोचना है, वो लास्ट में करंट पढ़ के ही होता है, वो बहम है जो 1 घंटे का वीडियो देखते हो तुमको लगता है करंट सीख रहे हैं, वो टीचर बस अपना टैलेंट दिखा रहा होता है। अब मैं आज ही कल देख रहा था कि कहीं कोई घटना हुई तो उसको पूरा 1 घंटे वीडियो में दिखा के टीचर समझा रहा था, कोई संबंध नहीं उसका। जैसे CDS का जो अभी मरे हैं, तो आपका 2-4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन कैसे मरे, किस देश ने क्या कहा, तो ऐसे कोई लॉजिक नहीं है। हाँ लेकिन पढ़ोगे तो मजा आएगा, अच्छा ऐसा भी हुआ। मैथ इंग्लिश अच्छा रखिए बस। त्रिशूर पूरम, त्रिशूर है कह रहे हैं केरला में, नहीं ऐसे तुक्का नहीं मारना, चेक करके बताना है। देखते हैं अभी। कंसीडरिंग अमंग द मोस्ट फेमस ऑलमोस्ट द फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन द केरला, केरला इन द त्रिशूर, पूरम विल बी, त्रिशूर पूरम विल बी गेट ग्रेट इवेंट इन टू अटेंड, पीपल फ्रॉम द अराउंड द कंट्री गैदर टू सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल। दिस सेलिब्रेशन फॉर द त्रिशूर पूरम डू नॉट एंड बिफोर 36 आवर, फायर वर्क्स एज वेल एज पैरासोल डिस्प्लेज फ्रॉम द क्रूशियल पार्ट ऑफ द फेस्टिवल। केरल में मनाते हैं, बस इतना रखो। अटेंड द फेस्टिवल टू ऑब्जर्व द पैरासोल डिस्प्ले एंड द फायर वर्क। और कहां पर, द फेस्टिवल सेलिब्रेट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द 10 टेम्पल्स अराउंड द बड़कनथम टेम्पल। तो ये लिखना है त्रिशूर केरला और 10 टेम्पल के सेंटर बैकुनाथन टेम्पल के नजदीक। तो अभी के लिए क्या करते हैं, क्या है पैरासोल, अच्छा लेडीज अम्ब्रेला कह रहे हैं, ये अभी खत्म नहीं हुआ है, कल थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे, ये बड़ा टॉपिक है, और उसके बाद MCQ करेंगे, तो जाके हमें एग्जैक्ट समझ में आएगा कैसे आते हैं और हमें कैसे पढ़ना है और कैसे हमने पढ़ा, तो थोड़ा आपका दिमाग खुलेगा कि अच्छा ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, और आपको आश्चर्य होगा कि इन्हीं से लाइन बाय लाइन क्वेश्चन उठा करके दिए जा रहे हैं आपको। मैं पहले भी कहा था GS खुद से नहीं पढ़ना है, GS क्लास से पढ़नी है, ले मैथ और इंग्लिश खुद से पढ़ना है, GS खुद से पढ़ के नहीं हो गया। जैसे इस बार आपको इंडियन ज्योग्राफी का टारगेट दिया गया, तो आपको क्या करना है, राकेश यादव या किरण पब्लिकेशन जो अब तक 700 क्वेश्चन आए वो कर डालिए, और आप देखेंगे TCS के क्वेश्चन उठा के सेम वैसे ही आए, एक भी चेंज नहीं होता है। लेकिन हम और आप क्या चाहेंगे कि एक बार पहले डिटेल पढ़ूंगा, तो कभी नहीं आएगा डिटेल वाला टाइम,
और लास्ट में वो भी नहीं पढ़ेंगे। तो एक बार पहले उनका एमसीक्यू कर लेना चाहिए, उस 700 में से 400 आपको आ रहा होगा, 300 के लिए आपको एफर्ट करना होगा, हो सकता है उस 300 में से 150 रटने वाला होगा, 150 के लिए कॉन्सेप्ट सीखना होगा, तो अपने लूसेंट उठाए उस टॉपिक को पढ़ डाले, वो खत्म भी हो गया पता भी नहीं चला। लेकिन ये टारगेट जब लेंगे तब पता नहीं चलेगा कब तैयार हो जाएगा, नहीं लेंगे सोचेंगे बाद में करेंगे बाद में, तो 100 दिन है, कब ये चला जाएगा ना, जैसे कब आपका महीना पूरा पता चल रहा है नहीं, तो सोच लीजिएगा 100 कैसे होगा। मैं खुद ही तंग हूं कि कल फ्राइडे हो गया। हाँ, बस एक ही दिन पता चलता है, संडे सुबह जब होता है कि जल्दी खत्म नहीं हो रहा है, पता नहीं आपको नहीं महसूस होता, नहीं मुझे तो लगता है कि आज खत्म नहीं हुआ, संडे बहुत जल्दी खत्म हो गया। अच्छा, बस एक दिन मोबाइल मत लीजिए संडे, सारे संडे को लास्ट में शिफ्ट कर देना चाहिए, मैं एग्री हूँ। आप 26 दिन पढ़िए, 4 दिन में छुट्टी दे दूंगा, मैं तैयार हूँ। ना ना ना, मोबाइल नहीं लेंगे तो नहीं गैप हो, तब नहीं दिक्कत होगी। आप एग्जैक्टली सोच रहे हैं कि संडे को आपसे फ्रेश हो रहे हैं, फ्रेश हो ही नहीं रहे हैं। वो तो मैं देखता हूँ, इसीलिए हम बातें करते हैं थोड़ी देर, हम तो चाहते हैं डीजे नाचे आप, नहीं चले तो कल हम इसके आगे का डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि किस किस तरीके से क्या क्या हमारे कल्चर हैं, क्या फेस्टिवल हैं। तो ठीक है दोस्तों, आप सबसे 11 बजे फिर मुलाकात हो रही है स्पेशल क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू, जय हिंद।